परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी ने वैक्सीन की तैयारी को लेकर सभी स्टाफ से चर्चा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परासिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य केंद्र सजग नजर आया। यहां अनुविभागीय अधिकारी मनोज प्रजापति ने BMO डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स को फील्ड में जाकर वैक्सीन की तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए और बताया कि 16 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर दी गई है। आज बैठक जो थी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई है। आगामी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के चरणबद्ध तरीके से कोविड की वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसमें फर्स्ट लाइन वर्कर अपने हेल्थ वर्कर्स रहेंगे। इनमें किस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होना है और जिम्मेदारियां और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसको कैसे फॉलो करना है उसको लेकर और सारे दिशा निर्देशों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।